हृदं न वेदितं रामः रामो दर्शनं प्रिया। राम जी ने अंधेरे अंधेरे में दर्शन दे दिया शत्रुपा को और मनु महाराज को। कैसा दर्शन दिया? चतुर्भुज रूप में। वैकुंठ में भगवान जिस रूप में विराजमान हैं, वैसे ही प्रकट हो गए, पधार गए। दुहितं दर्शनं प्रियां। मनु महाराज समझ नहीं पाए कि भगवान ऐसे होते हैं। चार हाथ वाला भगवान देखा तो थोड़ा सा अलग लगा, आप ही समझ लो। हाथ चार अगर तुम्हारे बेटे के हो जाएं तो आप ही बताओ कैसा अनुभव फील करेंगे आप। किसी किसी को छह उंगली हो जाती है ना तो घर वाले टेंशन में बने रहते हैं। छह उंगली कुछ कम तो है नहीं, ज्यादा ही है, पर ज्यादा भी नहीं चलता लोगों को। अच्छा मैं कहता हूं एक हाथ में 15-20 उंगली आ जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का स्वरूप अधिकांश लोगों का होता है वही स्वरूप पूजनीय होता है। चार हाथ वाले भगवान आए तो मनु महाराज स्तब्ध हो गए। शत्रुपा जी ने देखा ये गड़बड़ हो गई महाराज, ऐसा रूप नहीं चाहिए हमको। तो भगवान नारायण कहते हैं कस्यम रूप समागति कस्यम रूप प्रदत्तय। कैसा रूप चाहते हो? मैं वही प्रदान करने आया हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से, प्रेम अनुराग से, साधना से प्रसन्न हो गया हूं, मुझे आनंद है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं, क्या चाहिए तुमको? तो कहा यदम पुत्रो नारायणम, हमें पुत्र के रूप में चाहिए आप। भगवान नारायण कहते हैं यदम कृत्वा यदत्त, मैंने प्रदान किया। अस्तु अस्तु अस्तु, तीन बार भगवान कह गए कि दिया दिया दिया। शत्रुपा कहने लगी महाराज आप दिया 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 कह रहे हैं पर हमें तो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, आप बालक बन जाऊं। भगवान कहते हैं यस्यम कर्मणो यथाम दिहतम युगा युगंतर, थोड़ा समय लगेगा, एक युग बीतने के बाद में जब त्रेता युग आएगा तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आज मैं आया हूं, आज मैंने वरदान दिया है, कल ये वरदान प्रकट हो जाएगा। शत्रुपा ने और मनु महाराज ने भगवान नारायण को नैमिषारण्य के क्षेत्र में प्रकट कर लिया और अयोध्या में बालक रूप में मैं तुम्हारे यहां प्रकट हो जाऊंगा। जगह स्थान गांव सब बता दिया भगवान ने। आप कल्पना करना इंसान में और भगवान के प्रकट होने में यही अंतर है। भगवान के रूप में इंसान जब प्रकट होता है तो उसकी तिथि तारीख महीना वर्ष दिन सब फिक्स हो जाते हैं, और ये मलमूत्र के डिब्बे में से जब बालक पैदा होता है इसके प्रकट होने की कोई तिथि फिक्स होती नहीं है। भगवान ने अपना स्थान फिक्स कर दिया अवधपुरी अयोध्या में। अयोध्या क्यों फिक्स किया? न युद्धम गति नगरस्य, जिस नगर में कभी झगड़ा न हुआ हो मेरा आगमन उस गांव में होगा। अयोध्या नध्या अयोध्या, युद्ध न हुआ हो जिस नगरी में उसका नाम अयोध्या है। अयोध्या में युद्ध कभी नहीं हुआ, इसलिए राम जी ने अयोध्या को चुना। उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट, पर युद्ध नहीं हुआ कभी।